हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। तो आज एक और नई नर्सिंग वैकेंसी की अपडेट के साथ में और एक और नई वीडियो के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। हमारा चैनल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कि जो जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी जहाँ जहाँ भी निकले ऑल इंडिया ओवर में, तो उसकी जानकारी आप तक हम पहुँचाए, और ख़ासकर वो जिसमें सभी जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सके। तो उसी से रिलेटेड आज एक नर्सिंग वैकेंसी की मैं आपके सामने बात करूंगा और आपको सब कुछ पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह हमें अप्लाई करना है और क्या क्या इसमें मांगा गया है। मिदाने की तरफ से ये वैकेंसी होने वाली है, तो चलते हैं हम इसके। तो इसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे इसमें वैकेंसी निकले हैं स्टाफ नर्स की, और हमारा कुछ बीटेक भाई है, हमारे इंजीनियरिंग के जो भाई है, तो उनके लिए भी जो है अलग से एडवर्टाइजमेंट निकाला है। तो वो भाई लोगों एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर ले इससे अगर देख रहे हो तो, नहीं तो ये वीडियो सिर्फ नर्सिंग वालों के लिए ही मैं बनाऊंगा, क्योंकि हमारा चैनल नर्सिंग से ही रिलेटेड है। तो आपको मैं ये लिंक दे दूंगा, जब आप इस लिंक पे पहुंचोगे तो आप इस साइट पे आ जाओगे। तो आप जाइएगा करियर के टैब पर, और करियर के टैब पर जाने के बाद आपके सामने नीचे खुल जाएगा ये, आप देख सकते हो सेकेंड वाला रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव 23 तारीख डेट। तो हम करेंगे इसको ओपन। तो दोस्तों इसको डाउनलोड करने के बाद पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा। दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले नई नई नर्सिंग वैकेंसी की अपडेट के लिए और नई नई नर्सिंग रिलेटेड न्यूज़ के लिए। हम कंटिन्यू इस पर अब न्यूज़ लाते रहेंगे, क्योंकि मैं खुद नर्सिंग फील्ड से हूँ, स्टाफ नर्स में मैं काम करता हूँ, बीएससी नर्सिंग मैंने की हुई है। तो मैं अब इससे रिलेटेड ही इस पर वीडियो बनाऊँगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका और हमारा कुछ भाई है नर्सिंग वाले, तो उनका भी जो है हेल्प हो सके और वो अप्लाई कर सके। बात करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों, इसमें बात करेंगे हम, ये नर्सिंग वैकेंसी होने वाली है मिश्र धातु निगम लिमिटेड से। जी हाँ दोस्तों, ये हैदराबाद से नर्सिंग वैकेंसी होने वाली है। मैं पूरी इसमें आपको जानकारी बता दूँ, ये एक ऑटोनोमस बॉडी होती है गवर्नमेंट की, हैदराबाद से है। या इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी पोस्टें दी गई है दोस्तों, तो जैसे कि मैं आपको इसमें बतला दूँ, इसमें जूनियर टेक्नीशियन ऑपरेटर फ्लूबेड ऑपरेटर CNS ऑपरेटर हाइड्रोलिक प्रेशर से ऑटोक्लेव और जूनियर इसमें वेल्डर की भी दी गई है। इसमें बात करेंगे हम अपनी जूनियर स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में, इसमें जूनियर स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। इसके अलावा इसमें नंबर 3 पोस्ट है दोस्तों, पोस्ट कोई मायने नहीं रखती हमारे लिए, हमें सिर्फ एक पोस्ट चाहिए होती है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि मैं हर वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। तो बात करते हैं दोस्तों इसमें आगे, तो इसकी सैलरी इन्होंने जिस हिसाब से दी है उसको मैं आपको समझा दूं कि इसकी सैलरी एक साल की आपको मिलेगी 3.9 लाख रुपए। जी हाँ, 3.9 लाख ANM इसकी आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों, ठीक है। इसमें रिजर्वेशन की बात करें तो एक OPC, एक SC और एक ST की सीटें हैं, और 30 साल तक के इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ जानकारी, इसके अलावा मैं नीचे ले चलता हूँ आपको और बताता हूँ इसमें कुछ, इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, हम सिर्फ स्टाफ नर्स के बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं नीचे, और नीचे चल के हम बात करते हैं जूनियर स्टाफ नर्स के बारे में, और जूनियर नर्स के स्टाफ के बारे में इसमें बताया गया है कि BSc नर्सिंग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसमें जीने वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और EMT वाले भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 2 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है ना, या फिर 1 साल का आपको एक्सपीरियंस ज़रूरी है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, एनी हॉस्पिटल में जो 50 बेड का हो, ठीक है दोस्तों। एंड बात करेंगे इसमें नीचे, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है, आपके पास एक्सपीरियंस किस किस का चल जाएगा, एम्बुलेंस का हो, या फिर कार्डियक ICU का हो, या फिर रेस्पिरेटरी ICU का हो, या सर्जिकल ICU का हो, AMC का हो, MICU का हो, ट्रोमा का हो, इन सब में जब जिसमें भी आपने काम किया है तो आपका एक्सपीरियंस चल जाएगा। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए AMT वालों को। बात करते हैं दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी आपकी, तो सिलेक्शन प्रोसेस की मैं आपको बात बता दूँ इसमें, कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी नर्सिंग की क्वालिफिकेशन है और 10th 12th की क्वालिफिकेशन है, तो उसके आपको दिए जाएंगे 15 मार्क्स। आपके पास जो एक्सपीरियंस है तो उसके भी आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे, नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट जो होगा उसमें से 100 रिकॉग्नाइज किए जाएंगे आपके 70 मार्क्स, एंड ट्रेड टेस्ट में आप एक टेस्ट लेंगे वो, तो उसमें आपको पास भी कर सकते हैं फेल भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। तो टोटल हो जाएंगे इसमें आपके 100 मार्क्स, ठीक है, 70 80 90 100, हाँ जी 70 80 90 100, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 100 नंबर का ये टोटल रहेगा प्रोसीजर,
एंड बात करेंगे इसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। 10 मार्क्स आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के दिए जा सकते हैं एंड 2 मार्क्स आपको एडिशनल इसमें ऐड किए जाएंगे मैक्सिमम 15 मार्क्स से। तो बात करेंगे हम दोस्तों नीचे एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस का इसमें बताया गया है प्रोसीजर कितने मार्क्स दिए आप पढ़ सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि आप इसमें कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा दोस्तों, कैंडिडेट्स को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मैं आपको पढ़ के बता दूं, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन इनिशियल स्क्रीनिंग एप्लीकेशन रिटर्न टेस्ट, और उनको शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को जो है बुलाया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए या फिर रिटर्न टेस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। एंड इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू ईमेल, आपको ईमेल आपका सही डालना है एनीवेज, क्योंकि ईमेल पे आजकल सारी प्रोसीजर आती है दोस्तों। सॉरी कैमरे का ऑप्शन स्टार्ट हो गया, तो चलते हैं नीचे। ईमेल आपको सही डालना है, इसके अलावा आपको इसमें क्या क्या लगना है तो मैं आपको बता दूँ, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें जनरल कंडीशन में आपको समझा देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि मैं पूरा जो है समझाऊँ। तो जनरल कंडीशन की इसमें बात करें हम, तो इसमें ओनली इंडियन नेशनल में अप्लाई, यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें पहली बात तो ये आ गया, ठीक है ना। और इसमें एड्रेस दिया गया है आपको, ये पूरा एड्रेस रहा, आप एड्रेस पढ़ लीजिए। एज क्वालिफिकेशन आपकी 9/1/2021 तक आप 30 साल तक के होने चाहिए, ये बताया गया है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। एंड लास्ट डेट फिलिंग की 23 तारीख है दोस्तों, ध्यान रहे, ठीक है ना। 23 तारीख से पहले आपको जो है अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करना है तो आपको मैं बता दूं कि साइट पे जाना है आपको, और वो साइट अभी नीचे आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा दोस्तों हाउ टू अप्लाई एलिजिबल। पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विजिट कर सकते हो आप इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट को आप चेक करते रहे केयरफुली, ईमेल आपका सही डालें, और आपको ऑनलाइन जो है सबमिट करना है। 23 तारीख लास्ट है आपकी, और वेबसाइट क्या रहेगी, वेबसाइट ये रही मैदानी URL। इस वेबसाइट पर जाके आप करियर के ऑप्शन में जाके, रिक्वायरमेंट के ऑप्शन में जाके आप केयरफुली जो है अप्लाई कर सकते हो। आपको इसमें बताया गया है कैंडिडेट को केयरफुली ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर भी आपको सही सही डालने हैं, और 100 रुपये आपके कटेंगे फॉर्म भरने के। इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास है नहीं, अच्छी वैकेंसी लग रही है, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। बहुत सारी वैकेंसी है और भी अदर वैकेंसी, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, अपने अन्य भाई जो है भर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और आइकन बेल आइकन जरूर दें। हम इसी से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। मैंने फ़ोन नंबर अपने ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो आप वहाँ से रीड कर ले और हमें पूछ सकते हो जो प्रॉब्लम हो। इसके अलावा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।